क्या आज 21st सेंचुरी में श्री कृष्ण की कहानियां रेलेवेंट है? मॉडर्न दुनिया के प्रॉब्लम्स अलग है, तो क्या हम इनका सॉल्यूशंस इन पुरानी कहानियों में ढूंढ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण को हम हमारा दोस्त, हमारा सखा, हमारा सारथी कहते हैं। बचपन में हम सब की दादी या नानी हमें बाल कृष्ण बुलाती थी। कैसे वो हम सब में बांसुरी बजाने वाले, असुरों को हराने वाले कृष्ण का रूप देख सकती थी? आज जन्माष्टमी के दिन हम श्रीमद् भगवत पुराण के 8 ऐसे लेसन्स जानने वाले हैं जिनका आज की इस इंटरनेट की दुनिया में भी कुछ मोल है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस नॉलेज को जिंदा रखिए। भारत के एंशिएंट नॉलेज को एक प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। श्री कृष्णा जब छोटे थे तब उनके भाई बलराम ने माँ यशोदा को कंप्लेंट की कि देखो बाल कृष्णा कितना बेवकूफ है, वो मिट्टी खा रहा है। जब यशोदा ने कृष्णा को कन्फ्रंट किया, उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहा, तब उन्हें उसके मुंह में पूरा यूनिवर्स दिख गया। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का लेसन क्या है? एज एक नंबर है, आपके नॉलेज या विजडम का सबूत नहीं। जब लोग बात ईगो पर ले लेते हैं, सोचने लगते हैं कि हमें सब पता है, तो वो अपनी खुद की ग्रोथ पर एक सीलिंग लगा देते हैं। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर छोटे बच्चे अपनी एज से ज्यादा मजा और बातें हमें सिखा जाते हैं। इनोसेंटली से ही कुछ ऐसा कह जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एग्जैक्टली छोटा कौन है, तू या मैं? एग्जैक्टली सीख कौन रहा है, तू या मैं? Like they say, every child gives birth to a mother. हमारी बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, ये हमें बाल कृष्ण की स्टोरी सिखाती है। दुनिया में ऐसी एक भी फैमिली नहीं होगी जिसमें कभी झगड़े होते ही नहीं है। माँ बाप से डांट हम सब खाते हैं। भाई बहन जितना ज्यादा प्यार करते हैं उससे ज्यादा झगड़ते हैं, और कभी कभी हम भी हमारे पेरेंट्स से ना चाहते हुए भी रूडली बात करते हैं। लेकिन जब हमारे परिवार पर मुसीबत आ जाती है तो श्री कृष्णा बचपन में काफी नटखट थे, वृंदावन में उनके भी छोटे बड़े झगड़े होते रहते थे। लेकिन एक दिन इंद्रदेव ने वृंदावन में बहुत बड़ा तूफान बरसाया, इसलिए क्योंकि वृंदावन के लोग उन्हें छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। उस समय श्री कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया जिसके नीचे सब लोगों ने आसरा लिया। वो टाइम नहीं था छोटे छोटे झगड़ों को याद रखने का, वो टाइम था एक साथ मुसीबत का सामना करने का। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, परस्पर विरोधे तु वयम् पञ्चशते शतम्, परेस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम् पञ्चाधिकम् शतम्। एक दूसरे से लड़ते हुए हम 5 और वो 100 हैं, लेकिन एक एनिमी से लड़ते हुए हम सब 105 हैं। मुसीबत के समय एक फैमिली को कैसे एक साथ रहना चाहिए, ये सबक हमें श्री कृष्ण की एक कहानी सिखाती। लीडरशिप के बारे में हम श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? श्री कृष्ण को लोग प्यार से माखन चोर कहते हैं। वो गोपियों का माखन चुराते थे। उनसे तंग आकर गोपियों ने माखन को एक मटके में डालकर इतना ऊपर टांग दिया कि ये छोटे कन्हैया वहां तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन आगे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, जिसे हम हर साल सेलिब्रेट भी करते हैं। ये कहानी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है कि जो काम एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉसिबल है, वो काम एक टीम पॉसिबल कर सकती है। द सीक्रेट नाम की ये बुक गोल विजुअलाइजेशन की बात करती है। कहती है कि जब हम हमारे गोल्स को हमारी आंखों के सामने रखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हैं और यूनिवर्स उस गोल तक पहुंचने के रास्ते हमारे लिए ओपन कर देता है, एक प्रोसेस हमें दिखाता है। आंखों के सामने दिखने वाला माखन उनका गोल उनके प्रोसेस को गाइड करता है, और हमें विजुअलाइजेशन और टीम वर्क का इंपॉर्टेंस इस कहानी से सीखने मिलता है। असली भक्ति क्या होती है, ये हमें श्री कृष्ण एक कहानी के रूप में समझाते हैं। वृंदावन की समृद्धि के लिए एक यज्ञ हो रहा था, भगवान के लिए बहुत सारा प्रसाद बन रहा था। कृष्ण और उसके दोस्त काम से लौट रहे थे, वो थके थे, भूखे थे। उन्हें श्री कृष्णा ने पुजारियों से खाना मांगने के लिए कहा, लेकिन पुजारियों ने मना कर दिया, खाना भगवान के लिए था। लेकिन उनकी पत्नियों ने उन्हें अपने हिस्से का खाना दिया। श्री कृष्ण ये देखकर खुश हो गए और यज्ञ सफल हो गया। असली भक्ति भाव में है, इमोशंस में है, जिससे पूजा की जा रही। श्री कृष्ण ने कहानियों के थ्रू हमें इंसानियत का मतलब समझा। यमुना वृंदावन की लाइफलाइन थी। इस नदी पर कालिया नाम के एक नाग ने कब्जा कर लिया था और उसका जहर इस पीने के पानी में मिक्स हो गया था, और पानी नहीं तो वृंदावन नहीं। श्री कृष्णा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कालिया को हराया, लेकिन कालिया जैसे जहरीले नाग के साथ लड़ते हुए अगर श्री कृष्णा को कुछ हो जाता तो? नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक अजीब रिलेशनशिप होता है। कभी नेगेटिव लोगों के साथ रहकर अच्छे लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद की पॉजिटिव एनर्जी में विश्वास रखते हैं, खुद के मॉरल्स की जड़ें स्ट्रांग रखते हैं, तो उन पर एक्सटर्नल फोर्सेस हावी नहीं हो सकती। और एक लीडर का यही गुण होता है। कालो वा कारणम राज्ञो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूद् राजा कालस्य कारणम। एक असली लीडर कितनी भी एडवर्स कंडीशंस में अपनी टीम का और अपने पर्पस का साथ नहीं छोड़ता। वो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन खुद नहीं बदलता। आज हम इंस्टेंट अप्रूवल की दुनिया में रहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन फट से पा सकते हैं और झट से अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। और सबसे वियर्ड बात यह है कि हम हमारी सेल्फ वर्थ को लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के वजन से तोलने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि उसकी फोटो को इतनी लाइक्स तो मुझे क्यों नहीं। सुनने में ट्रिवियल लगता है, लेकिन ये हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक बार श्री कृष्णा ने गोपियों के साथ रासलीला खेलनी चाहिए,
लेकिन जब समय आया तब श्री कृष्णा वहाँ थे ही नहीं। गोपियों को समझ ही नहीं आया कि श्री कृष्णा हमें प्रॉमिस करके कहाँ चले गए। लेकिन जब गोपियों ने आंख बंद की तब उन्हें श्री कृष्णा दिखे, क्योंकि वो हर गोपी के साथ ही थे। वो कहीं बाहर नहीं, उनके दिल में ही थे। हम हमारी आसपास की दुनिया से तो कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी हम हमारी अंदर की आवाज से जो कनेक्शन होता है उसे कहीं खो रहे। श्री कृष्ण हमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लव के बारे में सिखाते हैं, जो है सेल्फ लव, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का बाय प्रोडक्ट। दोस्ती के दो स्टोरीज है महाभारत में, एक है द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कहानी। दोनों बचपन में एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े। डिफरेंस बस यही है कि द्रुपद एक राजा बने और द्रोणाचार्य एक गुरु। बड़े होने के बाद जब द्रोणाचार्य द्रुपद को मिलने उसके राज्य में गए, तब द्रुपद ने उन्हें एक दोस्त की तरह नहीं, एक गरीब इंसान की तरह ट्रीट किया। उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी, बेइज्जती करके वापस भेज दिया। कुछ साल बीते और कौरव और पांडव द्रोणाचार्य के शिष्य बने। उनकी शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने गुरु को पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि राजा द्रुपद को कैप्चर करो। राजा द्रुपद से युद्ध जीतने के बाद द्रोणाचार्य अपने बचपन के दोस्त के सामने आए। उन्होंने कहा कि एक दिन तुमने मुझे एक बराबरी का रिश्ता नहीं दिया, आज मैं तुम्हें तुम्हारा बराबर बन के दिखाता हूँ। अपनी जान के बदले मुझे तुम्हारा आधा राज्य दे दो। इस इंसल्ट को द्रुपद कभी भूले नहीं। उन्होंने तभी ठान ली कि जैसे उनके राज्य के दो हिस्से हुए, वैसे ही हस्तिनापुर के भी दो हिस्से होंगे, और ये हिस्से और कोई नहीं उनकी संतान करेगी, और उनकी संतान थी द्रौपदी। एक तरफ दोस्ती की ये कहानी है और दूसरी तरफ है एक मिसाल सुदामा और श्री कृष्णा के दोस्ती की, जहाँ श्री कृष्णा ने राजा बनने के बाद भी अपने बचपन के दोस्त को गले लगाया, उसे वही सम्मान दिया जिसका वो हकदार था। क्योंकि स्टेटस और सक्सेस दोस्ती के बीच में कभी नहीं आने चाहिए। कंस श्री कृष्णा के मामा थे, लेकिन कंस एक अच्छे इंसान नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने अपने रिश्ते को धर्म के बीच में नहीं आने दिया, उन्होंने वही किया जो सही था। ये सीख आज क्यों रेलेवेंट है? ये रिश्ते काफी अजीब होते हैं, हर तरीके के गुनाहों पर पर्दे डाल देते हैं, घर की बातों को घर में ही रखते हैं। आपने हाईवे फिल्म देखी है? उसका लास्ट सीन मुझे काफी इम्पैक्टफुल लगा, जहां आलिया अपने रिश्तेदारों को कन्फ्रंट करती है और एक बड़ा राज अपने घर वालों को बताती है कि उसके अंकल ने उसे बचपन से ही अब्यूज किया, उसे गलत टच किया, उसका फायदा उठाया। ऐसी स्टोरीज हम कई बार सुनते हैं कि बच्चों के साथ, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं लड़कों के साथ भी, उनके घर वाले, कभी बड़े भैया, चाचा, फूफा बदतमीजी करते हैं, उन्हें गलत टच करते हैं, अब्यूज करते हैं, और रिश्ते की आड़ में खुद के अंदर के हैवान को छुपाते हैं। सोचते हैं कि ये तो बच्ची अपनी है, किसे बताएगी, क्या करेगी। ऐसे कंस, ऐसे प्रेडेटर्स आज भी हैं। तो हमारे बच्चों को हमारे परिवार के डीमंस के बारे में हम कैसे सिखाएं? कैसे सिखाएं कि घर में भी शैतान हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कहानी से ये राज भी एक सटल तरीके से हमें बताया। बच्चों से ऐसी बातें करना डिफिकल्ट पता है, लेकिन श्री कृष्ण की ये कहानी हमें बच्चों से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का मौका देती है, बच्चों में एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। एज पेरेंट्स और एल्डर सिबलिंग्स हम हमारे लव्ड वन को ये समझा सकते हैं, घर में, स्कूल में, बस में, कहीं भी होने वाला अब्यूज अब्यूज है, और उससे खुद को प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म है, और इस धर्म में एज पेरेंट्स हम आपके साथ। अगर आपको हमारे श्रीमद भगवतम के इस नॉलेज को एक प्रैक्टिकल तरीके से प्रेजेंट करने का अटेम्प्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस विजडम को आपके सामने लाना, आज के लिए रेलेवेंट बनाना हमारा यज्ञ। अगर इस धरती के हर कण कण में भगवान है, देन आई एम श्योर कि हम तो बस एक जरिया है। हमारे थ्रू भगवान ही आपसे बात करना चाहते हैं, और ये मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क। Hey, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।